सबसे पहले जमीन तुम्हारे वार्डरोब से शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, कहाँ है तुम्हारा वार्डरोब? ये वाला आऊँ क्या? आज ना आना पड़ेगा ना, फोन रख दो अभी। हाँ अच्छा जी, कपड़ों से स्टार्ट करो और कोई कहानी किसी कपड़े से कनेक्टेड है। पहले शादी से पहले तुम किस तरह के कपड़े पहनती थी, शादी के बाद कैसे पहनना शुरू हुई? शादी से पहले मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती थी और शादी के सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। अच्छा अरे यार, बूदा अगर रखा होगा यहाँ पे, मेरे ख्याल आधे आधे का नहीं है पूरे कपड़े। हाँ। इसका दुपट्टा नहीं है, वो दुपट्टा फिर आएगा तो मैं बताऊंगी उसके बाद। हाँ। ये तो मेरी ये कितना प्यारा है। मेरा जो पहला फैशन शो था उसका मेरा पहला ड्रेस ये था, एक्स्ट्रा स्मॉल ही है। और तुम्हें संभाल के रखा हुआ है जवेरिया? हाँ, मतलब लाइक उसके बाद कितनी शिफ्टिंग सब हुई होगी, तुमने माशाल्लाह संभाला हुआ है। कुछ संभाला हुआ है। ये जंपसूट लेकिन तुमने क्यों रखा हुआ है? जन्नत के लिए, क्योंकि मुझे हाँ जन्नत को पहनाऊंगी। इसके थोड़ा सा ये जो लेंथ है ना वो जरा ज्यादा है, तो उसके लिए मैंने रखा। वैसे बहुत प्यार है और ये खुद किया है मैंने, हमारे कपड़े पहने। ये क्या कढ़ाई की हुई है? नहीं नहीं, ब्लॉक प्रिंट है ये, खुद किया है मैंने। वाकई देखे जरा ये ब्लॉक यार, कितनी मजे की याद है यार। और देखो आगे अंदर क्या है, ये स्लीवलेस है तो इसका कोट है इसलिए इसके ऊपर। और ये कोट तुमने ये खुद डिजाइन किया था या किसी? ये कलर करवाया था मैंने, नहीं खुद किया यार, डिजाइनर से पूछ रहे हो? भूल गई। नहीं तो तुम्हारा पहला फैशन शो, एक मिनट मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, ये तुम्हारा पहला फैशन शो यानी कि तुमने जब डिजाइनिंग शुरू की है उसका? मैं सोच रही हूँ जब पहली दफा इसने मॉडलिंग की है, मैं फ्लैशबैक भी चल रही हूँ। पहली दफा जो मॉडलिंग की होगी वो तो किसी और के कपड़े थे ना, मैं सोच रही हूँ संभाल के क्यों रखी है, वो वापस ले गए थे, तभी तो मैं कह रही हूँ यार कि तुमने शिफ्टिंग की। और नहीं नहीं, लेकिन ये मैंने शॉप पे भी नहीं रखा ना, आउटलेट पे भी नहीं रखा अपने पास। बहुत प्यार है। नहीं वैसे ये संभालने वाली बहुत है। अच्छा, शादी से पहले के भी कपड़े संभाल के रखे हैं, चादरे बेड कवर सब कुछ माशाल्लाह, पर्दे तक संभाले होंगे, ऊपर वो जो नहीं होते बने हुए उनके बीच में से ये वो वाली है जो घर से पहले देखती है, स्टोर है घर में, स्टोर दो छत्ती है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही। अच्छा, और ये है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे वलीमे का दुपट्टा है। हाँ मुझे याद है। हाँ, ये मेरे वलीमे का दुपट्टा है, पर्पल और ब्लू। बिल्कुल, इसके साथ शर्ट थी, पिंक थी शर्ट, शॉकिंग पिंक थी, शॉकिंग पिंक था। और ऑलिव ग्रीन इसका वो था। ये किसने बनाया था तुम्हारा? जो आयशा वारसी का। हाँ, तो वैसे ये वाला दुपट्टा जो है ना, इससे कहानी शुरू होती है। क्या कहा? नहीं नहीं, यहाँ तो कहानी खत्म हो गई थी। दूसरी कहानी खत्म हुई, दूसरी कहानी। अच्छा नहीं जवेरी, मुझे बताओ तो बाकी जोड़ा कहाँ है? भाई वो जोड़ा तो नहीं पहन सकती ना, वो तत्ता सा था ना, 42 kg थी जब मैं वो दौर ख्वाब हुआ और वो ख्याल गए। अच्छा, उसके तो, साथ मैंने नया जोड़ा बनाया। अच्छा, ये बताना चाह रही हूँ जो आइडिया है ना ये। अरे ओ ग्रेट, ये मैंने इसके साथ शर्ट बनाई। अच्छा, ये लंबे वाले है वो है। हाँ, और इसकी जो शलवार है उसमें तुमने दूसरा कलर रखा है जो तुम्हारे? मैंने ये, अच्छा शलवार नहीं है मतलब, ये वो है स्ट्रेट पजामा। हाँ हाँ, उसमें मैंने ये लगाया। और अपना वलीमे का दुपट्टा तुमने यूटिलाइज किया इसके साथ, बड़ा अच्छा लग रहा है कॉम्बो। और ये सर्दियों में जितनी शादी है सब में यही पहने। अच्छा, लोग अमूमन शादी के ड्रेसेस रख लेते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होते, सो दिस अ गुड आइडिया कि आप यूज कर सकते हैं। मैं और भी यूज करती अगर चोरी ना हुए होते घर से, तो चोरी हो गए पूरा पूरे डब्बे चले गए मेरे। और ये दुपट्टा मैंने सिर्फ शूट पे दिया हुआ था। हाँ, मैंने पहना था एक शूट पे। अच्छा, तो ये शूट के वार्डरोब में था तो ये बच गया, इसलिए बच गया जी। यार नहीं तो मैं मतलब मेरी अम्मी ने अपनी शादी के, उनका गरारा था रेड कलर का, यार बड़ा मजा आता है गरारा देखने में। पहले मेरी अम्मी ने पिशवास बनवाई, उस गरारे के दो पिशवास बने, एक मेरी बहन सिन्हा के लिए और एक मेरे लिए। हमने तंग पजामों के साथ पिशवास पहन ली। उसके बाद तीसरी वाली बच्ची जो थी छोटी, वो पैदा हुई, उसके बाद बड़ी हुई, सेंसिबल हुई, उसने कहा ये क्या बात है, उनको मिल गया आपकी शादी के, मुझे नहीं। तो अम्मी ने उस पिशवास, हाँ सवेरा, अम्मी ने उस पिशवास को काट के घाघरा चोली बना के तो तीनों बच्चियों ने मेरी अम्मी की शादी का जोड़ा पहना। यार मुझे बड़ा मजा आता है वैसे पुराने जो होते हैं, बहुत उनकी खुशबू कितनी अच्छी आती है, कितने प्यारे होते हैं बच्चे, खुश भी होते हैं। अब मेरे शादी का जोड़ा को जो मैंने काट कूट के ना, मतलब डिजाइनर से कहा, ज़हीर अब्बास ने मुझे रिवैम्प करके दे दिया। अच्छा, ये मेरी बहन रुबाब जो है उसने मुझे दिया, गिफ्ट किया था। हाँ,
तुम्हारी सालगिरह थी या क्या था? नहीं वैसे ही दिया था उसने। अच्छा, और उसको कहती मुझे अच्छा लगा, अगर चाहो तो इधर ही डालती रहो ना, फिर हम बाद में देखेंगे। और इसका दुपट्टा चूड़ीदार पजामा है, और दुपट्टा वो मेरे ख्याल शायद बैग में ही रख दिया है, वो सोच रहे होंगे पूरी अलमारी उठा के ले। नहीं तो तुम अपनी तुम जो बहनें वगैरह गिफ्ट करती हैं बोल रहे हैं, होता है ना कभी कभार होता है, जैसे अम्मी मुझे कोई पहले कपड़ा वगैरह देती थी, मैं कहती थी अम्मी मेरी फिटिंग सही नहीं आई या मुझे डिजाइन नहीं अच्छा लगा, तो अम्मी बड़ी माइंड करती थी, अम्मी का मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, मुझे पसंद नहीं आती। नहीं नहीं मैं तो बना लेती अम्मी भी जो भी देती मैं बना के पहन के उनको दिखा के, क्योंकि अम्मी खुश होती है बड़ी। हाँ बहुत बहुत। अच्छा ये जो है ये इस वैलेंटाइन डे पे मैंने वो अपने लिए खुद ही बनाया था, साउथ भाई ने नहीं दिया, मतलब खुद बनाया था मैंने। ये कौन से कलर के कपड़े पहने तुमने? ये मैंने वैलेंटाइन डे पे भी बनाया था, तो ये जरा ताजी याद है, तो मैंने कहा कि अच्छा अब तुम जो हो, जैसे मैं देख रही हूँ लंबी कमीज है, तुम ज्यादातर लंबी कमीजें पहन रही होती हो, ज्यादा तुम्हें लगता है तुम्हारी बॉडी पे सूट करती है लंबी कमीज? उसके हिसाब से डिपेंड करता है ना आप, कि क्या आपका ओकेजन है। मैं तो हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, छोटे भी पहन लेती हूँ, छोटे बड़े लंबे, बस ये है कि जो सूट करे थोड़ा सा। बहुत ज्यादा अभी तुमने पहना हुआ है ब्लैक, तो तुम कह रही हो तुम्हारा वजन बढ़ा है, वो अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी फिट बहुत पैंट जो है, आई गेस तुम अमेरिका से लाई हो पैंट, है ना? वो ऊपर का जो है ये तो पाकिस्तानी है कपड़े, लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कट पैंट्स के जितने वेस्ट में, क्योंकि उन लोगों का ये पहनावा है, हमारा पहनावा नहीं है, तो जितने अच्छे कट्स वो उन लोगों के हो सकते हैं ना, फिर वो फैक्ट्री की बनी भी होती है, मशीन्स की उनकी मशीनरी बड़ी बड़ी, लेकिन माशाल्लाह हम भी नकल बड़ी अच्छी करते हैं ऐसी वो ठीक है, लेकिन मैं अगर आप जो भी पाकिस्तानी कुर्ते और कपड़े पहने, लेकिन आप पैंट्स जो है उनकी बनी बनाई पैंट्स, ये सारी चीजें आपको फिटिंग वहाँ आपको हर साइज की आपको मिलेगी, हर साइज की, ये है थोड़ा सा। अच्छा हाँ ये जो है मेरा बहुत पुराना सूट है, ये इसकी तस्वीर यार प्लीज जरा जल्दी से आप फेसबुक से इसकी तस्वीर उठाएं, जवेरिया के पेज पे जाएं और वहाँ साउथ भाई के साथ जवेरिया की बड़ी प्यारी एक पिक्चर है, जवेरिया उसमें इतनी कोई पतली लग रही है, इसका कट इतना प्यारा है कि उल्टा सीधा दोनों तरह पहन सकते हैं। नहीं नहीं यार सीधा नहीं पहन सकते, गला मैं भी सोच रही थी कि वैसे कर सकते हैं, काट सकते हैं जवेरिया, गला बहुत बड़ा है, दिखाओ। हाँ अंदर कैमिसोल पहन ले। ये जो है ना ये मेरा तकरीबन 14 साल पुराना सूट है, बहुत प्यारा लग रहा था जब तुमने पहना हुआ था, तस्वीर निकाल देना, कोई है हाल के रखे हुए इसके फेसबुक पे, संभाल भाई के साथ खड़ी हुई तस्वीर, बहुत 14 साल पुराना है, ये मैंने दुबई से खरीदा था। बना बनाया या नहीं? नहीं बनाया तो मैंने खुद था, मैंने स्टिच था। अच्छा और स्टिच भी मैंने वहीं करवाया था दुबई में। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है जवेरिया, जब तुमने पहना हुआ था ना तो तुम बहुत टॉल और बहुत स्लीक स्लिम लग रही थी, तो ये मेरा बहुत अभी आता है कि नहीं आता? अभी आता है ब्लैक, अभी तो पहना हुआ था मैंने। अच्छा ये अभी की तस्वीर थी? 8 महीने पहले की है। बहुत स्मार्ट, 8-9 महीने। मैंने जवेरिया को खास तौर पे कहा इसकी पिक्चर पे कमेंट करके कि मैंने कहा जवेरिया ये जरूर लाना क्योंकि इसमें तुम बहुत लंबी और दुबली लग रही थी, जो जहाँ का पहनावा होता है वहीं पर ही उसकी फिटिंग, जैसे पाकिस्तान में सलवार कमीज से अच्छा कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं सी सकता, इसी तरह से ये आपने दुबई से लिया, तो एक स्लीक कट जो एक वहाँ का होता है अलग, मतलब अरे वो लोग लंबे पहनते हैं, ये वो था जो अनस्टेज नहीं होते वो सेमी स्टेज होते हैं, तो फिर वो टेलर से मैंने वहीं पे सिलवा लिया था, नहीं तो वो वहाँ के टेलर्स को उसी हिसाब से आदत होती होगी कट की, क्योंकि दुबई में लंबे लंबे कपड़े पहने जा सके, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा पहने जाते हैं। एग्जैक्टली बहुत प्यारा वो वाली एक मैटर करती है। अच्छा जैसे बास कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे कभी मैं तुम्हें हर वक्त कभी भी नहीं तुम्हें वो कोई मैसेज भेजती या कभी, लेकिन कभी कभी ना बिल्कुल जहाँ तक आ जाता है कि यार माशाल्लाह मुझे इतनी क्यूट लग रही है इतने, फिर मैं निदा को भेजती हूँ, निदा आज अपनी नजर उतारना, बहुत कम भेजती हूँ, लेकिन इतनी वही इंसान होता है लेकिन कपड़ों से जो उसकी शख्सियत में चेंज आता है ना, ये बहुत फर्क पड़ता है। ये कितना प्यारा कलर है, अम्मी ने दिया था मुझे। अच्छा अम्मी ने दिया था? हाँ एक ईद पे दिया था। जवेरिया ये तुम्हें कब, एक साउथ भाई ने दिया, एक अम्मी ने दिया, एक बहन ने दिया, खुद खरीद लिया? नहीं, तुमने कहा था कोई याद है वापस? हाँ ना अम्मी की, शुक्र करो अभी मैं पुरानी लेकर नहीं आई शादी से पहले वाली, तो वो वाली यादें तुम यादें वापस। अच्छा हाँ। ये तो मेरे अपनी आउटलेट का है। अच्छा ये इसमें क्या है कि ये जो है ना सबसे
सिला तो वो पहला था लेकिन वो फैशन शो का था, लेकिन आउटलेट के लिए जो पहला सिला था वो ये था। अच्छा अच्छा, वो पहला ये सिला था। हाँ। ये बहुत आजकल ऐसे चल भी बहुत रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड कलर। तो ये गोल्डन दुपट्टे के साथ और इसके साथ पहन सकते हैं। और जी ये मैंने एक इसमें ऐसी याद है मेरी कि ये कैसा सूट है मैंने आज तक पहने ही नहीं है, टैग भी लगा हुआ है। और हाँ, और ये जो है तकरीबन इसको मुझे खरीदे हुए 5 साल हो चुके हैं। और तुमने ये रखा हुआ है? मैंने इसका अपर भी सिलवा लिया है। हाँ। स्लीवलेस है ना, तो मैंने अपर भी सिलवाया हुआ है। हाँ। लेकिन जिस जमाने में मैंने खरीदा था उस वक्त मुझे फिट आता था, अब नहीं आता। जनरल ऐसे ही रखा हुआ है ये, इसमें ये याद आता है। एम बनाओगी ना जब, कि इसको पहनने के लिए मैंने इस तक इतना होना है तो फिर ये फिर आ जाएगा। फिर रखा हुआ भी इसीलिए, इसीलिए बहुत सारी चीजें जैसे होता है ना, मेरे कपड़े जो टाइट हो जाते हैं ये होता है वैसे, मगर कुछ कपड़े रख लेती हूँ, कहती हूँ इसी का टारगेट अकम्पलिश करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना एम जो है वो पाने के लिए मैं ये रख लूंगी। अच्छा ये जो है ये मैंने अमेरिका से ही लिया था। हाँ। और ये मेरा फेवरेट है। ये है क्या, दिखाओ। ये जंप सूट है, और कोट है, और इसके ऊपर ये कोट है। हाँ। हमारा मसला है ना, मैं पहन नहीं सकती ना स्लीवलेस। हाँ। तो ऊपर भी कुछ अच्छा पता नहीं, मुझ पे जंप सूट नहीं करता। अच्छा आई लव जंप सूट। अच्छा आई नो, कुछ लोगों पे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो मेरा जब वेट कम होता है तब मुझ पे अच्छा लगता है। मैं बताऊँ क्या लगती हूँ जंप सूट पहन के, बता दूँ? हमारे बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत बहुत अच्छे, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग बल्की होते हैं और कुछ लोग जरा कम मतलब पतले होते हैं, तो वो उनका मैंने देखा था जब भी वो थे वो पैंट यहाँ बांधते थे और उनके पेट निकला हुआ था। तालिश साहब जो थे ना हमारे बहुत ही प्यारे एक्टर, तो वो मैं जंप सूट पहन के जो है ना मैं मर्द लगने लगती हूँ। सीरियसली मैं जंप सूट पहन के मर्द लगने लगती हूँ। नहीं लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसके टॉल है अच्छी लगेंगी आप। उसके बॉटम जो पैंचे हैं वो कैसे हैं, कहीं किसी को छोटे पैंचे वो जो भी पहनूं कैसा भी पहनूं ना। आई ट्राइड हाई वेस्ट पैंट्स विद द टकिंग शॉर्ट्स, आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे सूट करेंगी, क्योंकि मेरी बॉडी शेप पियर शेप है, तो यहाँ से मैं पतली होती हूँ और यहाँ से इवन आई हैव अ पियर शेप, बट आई थिंक पियर शेप के पियर शेप जो है ना वो टेस्ट ट्यूब हो गया आपका। मैं बॉटल हूँ, आप टेस्ट ट्यूब बन चुकी हैं। पियर शेप पे ही हाई वेस्ट जींस, तुम्हारा जो फेस है ना पियर शेप पे हाई वेस्ट जींस अच्छी लगती है, बिकॉज अमूमन जो बाहर लोग कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर बॉडी का वो ज्यादा पसंद किया जाता है, वो हाई वेस्ट जींस और ना पियर शेप बॉडी। अच्छा, मुझे कभी भी ये वाली हलक में अटकी हुई जींस, मुझे भी इतनी ऊपर। लेकिन पुरानी फिल्में साउथ की देखती हूँ ना मैं, तो पुराना जमाने में यहीं पे वो ईस्टर्न कपड़ों में ना ऐप छुप जाते हैं ना सारे शलवार में, वैसे भी बाज लोगों का ऐप करता है, बाज लोगों को सूट करता है ये वाली चीज। अच्छा ये मेरा फेवरेट कोट है जिसको पहले मैं तुम्हें पिक्चर दिखा दूँ, सबको भी दिखा दूँ कि ये देखिए ये वाला जोड़ा पहन के जवेरिया देखे क्या लग रही है। ओए ओए ओए, ये अच्छा मजे की बात ये कि आप लंबे कपड़े पहनने से आपकी हील्स भी छुप जाती हैं, आप टॉल लगते हैं, आप पतले लगते हैं, मोटी हील्स भी पहन सकते हैं, वेजेस भी पहन सकते हैं, वेजेस भी पहन सकते हैं। मेरी शादियों में अक्सर आप पतली हील पहनते हो, दो दफा तो मैं गिरते गिरते बच्चे। हाँ ना, वो टेढ़े मेरी जगह पे चलना पड़ता है ना, मोटी हील अक्सर ऐसा होता है कि जब शादी में पहुंचते तो लॉन में होती है।